हम देख रहे हैं PT 365 इंटरनेशनल रिलेशन का। इससे पहले एक पार्ट कवर हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहला जो पार्ट है न्यूज़ का वो है इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, जहाँ पे नेपाल ने एक न्यू पॉलिटिकल मैप क्लेम करा था कि काला पानी जो रीजन है वो बेसिकली जो इंडिया का है, उत्तराखंड में जो आता है वो उसका पार्ट है। ठीक है, ऐसे तीन रीजन थे, काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख। ठीक है, तो लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपुलेख आप मैप पे भी देख सकते हो, ये नेपाल के मैप में था। तो क्या है इंडिया नेपाल का टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इसको समझना है। डिसएग्रीमेंट हुआ था नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर इशू पे। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियादुरा, ये तीन जो थे उत्तराखंड में, और सुस्ता एक बिहार में पार्ट है, वहाँ पे भी। काला पानी एक लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसमें 37,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के बारे में बात करते हैं, हाई हिमालय में। इसका जो लोकेशन है, ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर पे पड़ता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, और ये ट्राई जंक्शन बनाता है चाइना, इंडिया और नेपाल के बीच में, जो कि एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है साउथ एशिया डिप्लोमेसी का। ठीक है, सुस्ता जो जो बिहार में है वो रिवर गंडक पे पड़ता है, और उसका जो कोर्स है, मतलब जो उसका रास्ता है वो बदलता रहता है। इसकी वजह से इशू है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल कंसिडर करता है 1816 का जो ट्रीटी ऑफ सिगोली था, जो बेसिकली गुरखा रूलर्स ऑफ काठमांडू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुआ था, एक अथॉन्टिक डेटा या डॉक्यूमेंट बाउंड्री डिलिनेशन में। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोविजन के अंडर सिगोली ट्रीटी, जिसमें है नेपाल लॉस, मतलब नेपाल ने लूज कर दिया था सिक्किम को, कमाऊ को, गढ़वाल और वेस्टर्न तेरई एरियास। यहाँ पे एक रिवर है मिछई, जो ईस्टर्न बॉर्डर के साथ आती है इंडिया में। अगर बात करूँ नेपाल में, तो यहाँ पे रिवर काली है, जिसको नेपाल में महाकाली बोला जाता है, जो डिमार्केट करता है नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर। तो ट्रीटी ऑफ सिगोली में ये डिफाइन है, गंडक जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर या बाउंड्री बनेगा इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल करता है कंसिडर सोर्स ऑफ काली रिवर, जो कि लिम्पियादुरा के पास है, जो कि हायर एल्टीट्यूड में देन द रेस्ट ऑफ द रिवर फ्लो, क्योंकि वो शायद नीचे, उसका जो कोर्स है नीचे होगा। और तीन इस एरिया हमने पहले देख लिखे हैं, लिम्पियादुरा, लिपुलेख, काली काली काला पानी। ठीक है, ये कंसिडर किया जाता है ईस्ट ऑफ रिवर काली। इंडिया के पक्ष के हिसाब से बात करो, तो इंडिया कह रहा है कि बॉर्डर बिगेंस कहाँ से होता है, काला पानी से होता है, और जहाँ से रिवर बिगेन होती है, मतलब स्टार्ट होती है, काली पानी जो ओरिजिनेट होता है वो स्प्रिंग्स में होता है, जो कि बहुत बिलो होता है लिपुलेख पास का, और सिगोली ट्रीटी डिमार्केट नहीं करते उस एरियाज को। बहुत इंपॉर्टेंट स्टांस है इंडिया का यहाँ पे। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर क्या है। तो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,800 किलोमीटर्स का है, जो कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम से होता हो जाता है। यहाँ पे पीस और ट्रीटी जो थी, फ्रेंडशिप और पीस ट्रीटी 1950 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों कंट्री के जो रिलेशन थे स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे थे, हम दोनों ने आइडेंटिफाई कर लिया था, और यहाँ पे उन्हें ओपन बॉर्डर का भी प्रस्ताव रखा था। ओपन बॉर्डर का मतलब है कि आप अनरिस्ट्रिक्ट वे में जा सकते हो एक दूसरे की साइड में। ओपन बॉर्डर बेटर सोशल ट्रेड और कनेक्टिविटी को बताता है, जिससे बोलते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। ठीक है, एक टैग दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एक डैम प्रोजेक्ट है, पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट, ये बायनेशनल प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन पे देखता है और इरिगेशन पे देखता है इंडिया और नेपाल के बीच में। जो प्रपोज रिवर महाकाली थी, जिसको शाहदरा भी बोला जाता है इंडिया में, जहाँ पे रिवर इवेंचुअली फॉर्म होता है इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल और इंडिया के बीच में, ये ट्रीटी का नाम है महाकाली ट्रीटी, और जो कंसर्न है इंटीग्रेट करती है डेवलपमेंट महाकाली रिवर का, जिसमें शारदा एराइज है, तंगपुर बराज है, पंचेश्वर
पंचेश्वर डैम है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुआ था 1996 में। कमला भागमती मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, सप्ता कोशी हाई डैम प्रोजेक्ट है जो कि है सुन कोशी स्टोरेज कम डाइवर्जन स्कीम, करनाली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी है। इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट ट्रीटी है, अलाउ करती है नेपाली नेशनलिस्ट की वो वर्क कर सकते हैं इंडिया में विदाउट अ वर्क परमिट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी, इवन सिविल सर्विस के लिए एक्सेप्ट फॉर IAS IPS और IFS। अलाउ करता है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट को कि वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं और प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अलाउ करता है नेपाल को कि वो इम्पोर्ट कर सकते हैं आर्म्स और एम्यूनिशन इंडिया की टेरिटरी के थ्रू। इंडिया ने बहुत वेव करा है अगर बात करें, और ये रेसिप्रोसिटी दिखाता है, गुडविल दिखाता है। इंडिया ने बहुत ही अच्छे से साइन कर रखी है ट्रीटी और फ्रेंडशिप और ट्रीटी जो है हमारे और भी नेबरहुड के साथ है, जैसे भूटान के साथ है हमारा 1949 में, अब बांग्लादेश के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने भी देखा था बांग्लादेश रिलेशन का, तो वो इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया पाकिस्तान। अब ये है गिलगित बाल्टिस्तान का इशू जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट में लॉन्च करा था इंडिया ने अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का जो पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया था गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में। गिलगित बाल्टिस्तान रीजन क्या है इसको समझ लेते पहले, तो आप मैप पे भी देख लो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मार्क्ड है। स्काई चीन हमने लास्ट लेक्चर में देख रखा है जो चाइना ने इलीगली ले रखा है। यहाँ पे अगर बात करो जम्मू एंड कश्मीर की तो गिलगित बाल्टिस्तान जो है ये भी इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के पास, ठीक है। जो रीजन है ये बेसिकली अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट में है JNK का। अगर बात करें ये बेसिकली पाकिस्तान के कंट्रोल में है इलीगली, क्योंकि उन्हें इन्वेजन करा था 1947 में, नवंबर 4 की बात है ये। इसको रीनेम करा गया था नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान और ये डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर आता है पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट जो कि कराची अग्रीमेंट के हिसाब से है 1949। जब जी भी मतलब गिलगित बाल्टिस्तान एम्पावर्ड हुआ था, सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर आया था 2009 में, नॉर्दर्न एरियाज को गिलगित जी भी बोला गया था और ये प्रोवाइड करता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक काउंसिल। 2009 में ये ऑर्डर रिप्लेस करा गया था 2018 के ऑर्डर जो है गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 में। यहाँ पे एक एम ये रखा था कि इनकोपरेट करेंगे, पाकिस्तान की साइड की बात करें जो जी भी होगा फिफ्थ प्रोविजन होगा और इंटीग्रेट करने की बात करी थी विद द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान थ्रू लेजिस्लेचर जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। बलूचिस्तान साइबर पंगतुंगवा और पंजाब सिंध के जो रीजन है वो फोर्थ प्रोविजन में आते हैं और यहाँ पे फिफ्थ की बात चल रही थी। हाउएवर 2018 में ये लिमिटेड फंडामेंटल राइट दिया लोगों को जो जीबी के लोग हैं और उनको ग्रांट नहीं करा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पहला कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर रहता है सेंट्रल एशिया और चाइना के बीच में। लार्ज टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ जीबी जो है 5 times मोर है देन POK। ये कंसिस्ट करता है दो एथनो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान जो कि पार्ट है लद्दाख और गिलगित का। वाटर एनर्जी सिक्योरिटी बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, वाटर रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स। जब एंटर हुई थी लाइक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान जो इंडस रिवर पास करती है गिलगित बाल्टिस्तान को रीजन को, तो इसलिए समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं यहाँ पे जो लोकेट है और कितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो रन कर सकता है इंडस रिवर पे। चाइनीज इंटरफेरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CPEC जो था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास करता है इस रीजन से, इससे इंडिया को बहुत दिक्कत है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इंडिया रिलक्टेंट है मल्टी नेशनल ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे जो चाइना ने प्रपोज करा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए लेते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो 3,323 किलोमीटर्स का है, 3,323 किलोमीटर्स का। ये बॉर्डर बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि स्ट्रेच करता है अप्रॉक्सीमेटली 2,400 गुजरात से
और नॉर्थ बैंक ऑफ चेनाब जो कि है जम्मू में, अंकूर में। यहाँ पे सेकंड जो है एलओसी है जो कि 740 किलोमीटर्स की रन करती है, और ये कुछ पार्ट्स में है जैसे अगर बात करो जम्मू से लेह तक का। सीज फायर लाइन भी है जो कि आया था 1948 में, फिर 1971 में जो कि चाइना और सॉरी जो कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर की वजह से हुआ, और 1972 में जो शिप्ला अग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे यूनिलैटरली अग्रीड करा था दोनों ने कि चेंज नहीं करेंगे, इसके बाद अग्री करा था कि लाइन को चेंज नहीं करेंगे जो सीज फायर लाइन है, पर अभी भी इलीगली ऑक्यूपाइड है। थर्ड है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो है डिवाइड करती है करंट पोजीशन को इंडिया पाकिस्तानी ट्रूप्स को सियाचिन रीजन में, और यहाँ पे 110 किलोमीटर की एक लॉन्ग जो है लाइन है जो एक्सटेंड करती है एनजे से इंदिरा कोल इन द नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है भूटान का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है अगेन क्योंकि भूटान के साथ हमने अभी उससे पहले देखा कि फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर रखी है और बहुत ही अच्छा देश है और नेबरहुड में आता है बिल्कुल। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया और भूटान ने अभी फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट साइन करा है। ये 600 मिली वॉट का है, कोलुंगचू प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्ट करा जाएगा भूटान के, ताकि उनकी जो लेस डेवलप्ड रीजन है यहाँ पे उसको बिल्ड करा जाए। ये प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट होने की संभावना है। जॉइंट वेंचर कौन कौन से, सतलुज जल विद्युत निगम है जो कि हिमाचल प्रदेश की पीएसयू है, और भूटानीस ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है। ये जो प्रोजेक्ट है चार एडिशनल प्रोजेक्ट के साथ साइन करा गया था 2014 में, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें जो कि कैपेसिटी जिनकी होगी 2120 मिलावाट की अंडर जॉइंट वेंचर मॉडल। और भी तीन जॉइंट वेंचर है यहाँ पे, 180 मिलीवाट का बुनाक्यो, 750 MW वैंगचू और 770 चमकारचू। ठीक है, यहाँ पे इंडिया ने चार बना चुके हैं और यहाँ पे अभी टोटल 2100 की मिलीवाट का आ रहा है, तो यहाँ पे आप रिविजन भी दे सकते हो। और क्या है, भूटान नेटी टेरिटरी, यहाँ पे इंडिया ने प्रपोज कराया कि वो एक रोड बिल्ड करेगा भूटान के पास, ताकि जो चाइना को एक तरह से तकलीफ पहुँचाने के लिए, क्योंकि चाइना ने उसको क्लेम करा है इवेंचुअली। ये इनेबल करता है क्विक एक्सेस तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर करता है चाइना को, और ये रीजन लाए करता है सक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर बात करें ईस्टर्न भूटान में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भूटान में। यहाँ पे अभी चाइना ने ही इंटरनेशनल न्यूज़ की बात है क्लेम करा था कि वो उसका पार्ट है इवेंचुअली, तो ये फॉलो अप न्यूज़ ही है। चाइना मेक्स न्यू क्लेम इन ईस्टर्न बॉर्डर जो भूटान के साथ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि भूटान ने जो चाइना है उसने क्लेम करा है कि भूटान का जो ईस्टर्न सेक्टर है वो उसका पार्ट है, और उसी वजह से जो चाइना और भूटान का बाउंड्री डिस्प्यूट आया है। ठीक है, चाइना ने अटेम्प्ट करा है कि वो स्टॉप करे यूएनडीपी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो फंड करता है सक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ईस्टर्न भूटान में है। ये क्लेम करता है डिस्प्यूटेड टेरिटरी बट ओवररूल्ड है ये। सो फार डिस्प्यूट जो था वो अगर बात करूँ भूटान की, तो डोकलाम आपको पता है 2017 का, पश्चिमलुंग और जकालुंग भूटान ने इवेंचुअली साइलेंस मेंटेन करी थी बाउंड्री नेगोशिएशन में चाइना के साथ। उसके कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है भूटान के चाइना के साथ, वो हमारे थ्रू ही करता है। सो फार दोनों कंट्री ने 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट हुए 1984 में, 2016 में, और बेसिकली नॉर्थ और वेस्ट भूटान रीजन पे वो बात करते हैं। तो आप मैप पे देख सकते हो जकालुंग जो नॉर्थ हमें रीजन है, और पश्चिमलुंग, ठीक है, और ढोकलाम आपको बिल्कुल ईस्ट में दिख जाएगा। तो ये अभी एग्जिस्टिंग है, अब नया क्लेम ने करा है। इंडिया का कंसर्न ये है कि चाइना का प्रेजेंस डोकलाम रीजन में या भूटान में बहुत ही ज़्यादा थ्रेट कर सकता है हमें, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी वहाँ लगता है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वनरेबल हो जाता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और भूटान एक बफर बनाता है इंडिया और चाइना के बीच में, तो इसलिए भूटान को हमें अपने अंडर रखना ही चाहिए। 2017 में
चाइना ने आपको बताया डोकलाम इशू हुआ था जो भूटान की टेरिटरी के पास ही है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ईस्टर्न में ही है ये, एक ट्राई जंक्शन है इंडिया चाइना और भूटान के बीच में। इंडिया और भूटान ने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर रखी है 2007 में, जो कि एंजॉय करती है दोनों साइड की, कोऑपरेट करे इजीली और दोनों की एक दूसरे की हेल्प करे नेशनल इंटरेस्ट पे। ठीक है, साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी, ये नेक्स्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो आप देखो एशिया एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ये हाई लेवल ग्रुप है जो बिल्ड करता है साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसका जो नेम पड़ा था वो साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, जो कि सेटअप हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। यहाँ पे सेज जो है ये कंसोर्टियम है एनर्जी सेक्टर का, जो पार्टनर करता है साउथ एशियन गवर्नमेंट के साथ और इनेबल करता है सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट साउथ एशिया रीजन में। कॉन्ट्रम जो कंप्राइज करता है USAID, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और तीन नेशनल लेबॉरटरीज, लॉरेंस की है LBNL और नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबॉरटरी और एक पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबॉरटरी। इसके ऑब्जेक्टिव ये है रिसर्च एनालिसिस डालना चाहता है साउथ एशिया में। USAID पार्टनर करेगा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और ये तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ग्रोथ और जो गोल्स है एशिया इन्हांसिंग ग्रोथ डेवलपमेंट। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव करेगी ताकि वो सपोर्ट करे सस्टेनेबल और सिक्योर करे एनर्जी मार्केट को जो कि अक्रॉस इंडो पैसिफिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी सारी चीज़ें हैं, मल्टी लैटरल इनिशिएटिव क्या है साउथ एशिया फॉर एनर्जी कॉरपोरेशन, साउथ एशिया रीजनल इनिशिएटिव है एनर्जी इंटीग्रेशन का जो लॉन्च हुआ था 2020 में, प्रमोट करता है एनर्जी सिक्योरिटी जो कि इंक्रीज करेगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट और बड़ी सारी चीज़ें। ये यहाँ पे 8 कंट्रीज आएंगी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और बड़ी सारी श्रीलंका। सार्क फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर एनर्जी कोऑपरेशन ये भी साइन हुआ था ऑल मेंबर्स ऑफ सार्क 2014 में और फैसिलिटेट करता है यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ रीजनल ग्रिड अक्रॉस सार्क। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है इसका ऑपरेशनल प्लान था 2016 से 25 तक और आइडेंटिफाई करता है एनर्जी जो एक मेजर प्रायोरिटी सेक्टर है जिसमें पार्टनर करता है ऐसे ऐसी सी मेंबर्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि यहाँ पे इंडिया भूटान ने साइन करा एक पैक्ट जो फर्स्ट जॉइंट वेंचर है हाइड्रो पावर का। हमने अभी देखा जो 600 मिलीवाट का कुंगलुचु प्रोजेक्ट है जो एक 4 प्रोजेक्ट में साइन करा था 2008 में आफ्टर ये जो प्रोजेक्ट बने थे बुनाको, वंचू और चुमार कुचू। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लो ना अपने हिसाब से, 50-50 जॉइंट वेंचर है ये। हमने देख लिया है जो हिमाचल PSU का था सतलुज जल विद्युत निगम और भूटानीज ड्रुक ग्रीन प्रोजेक्ट पावर कॉरपोरेशन जो है। गाइडलाइंस क्या है यहाँ पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर फैसिलिट करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी जो बोथ द नेशन के बीच होगी। इंडिया एनर्जी कॉरपोरेशन किस जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ है उसका देख लेते हैं। इंडिया भूटान ने साइन कर रखा एक फ्रेमवर्क जो हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करता है 2006 में, ये बात कर रहे थे डेवलप करेगा 10,000 मिलीवाट ऑफ हाइड्रो पावर बाय 2020। यहाँ पे की प्रोजेक्ट क्या है, ताला हाइड्रो प्रोजेक्ट दो इंपॉर्टेंट है, दो जिला हाइड्रो प्रोजेक्ट है और ट्राइलेटरल कोऑपरेशन है भूटान इंडिया बांग्लादेश के बीच में। इंडिया नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है जो कि दोनों कंट्री ने साइन करा था पावर ट्रेड अग्रीमेंट 2014 में, जो कमिट करता है कंट्रीज़ को कि वो बाय और सेल करे इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्टेज के टाइम पे। 22 क्रॉस बॉर्डर पावर एक्सचेंज फैसिलिटीज़ हो चुकी है जिसमें दो ऑपरेशन में, और यहाँ पे महाकाली ट्रीटी जो साइन हुई थी 1996 में वो डेवलप करता है पंचेश्वर मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट जो हमने पहले देख रखा है। इंडिया बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड ये इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने देखा नहीं है, 2010 में ही साइन हुआ था और ये बायलेटरल कोऑपरेशन है पावर और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रिड कनेक्टिविटी। इंडिया का करंटली जो सप्लाई है 1200 है बांग्लादेश को, इंक्रीज हो सकता है 2500 तक 2021 तक। इंडिया म्यांमार की बात करें तो यहाँ पे इंटरकनेक्शन ट्रांसमिशन की बात करिए जो मोरोपो टू तमाओ का ट्रांसपोर्ट करती है। साउथ एशिया रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है। साउथ एशिया रीजन एक सब रीजन है एशिया का जो कि कंप्राइज करता है हिमालय रेंज से इंडियन ओशन तक नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं गंगा से और इंडस रिवर
जो मेनली होती है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, म्यांमार, मालदीव्स, पाकिस्तान। इसका जो क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, मेजर एक एनर्जी कंज्यूमर है। अगर बात करें यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की डेटा जो भी है, ये प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन जो है बढ़ा है 58% से, और ये और बढ़ेगा, 40% और बढ़ेगा। ये यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट कराया है, डिमांड बहुत बढ़ेगी, इंटरनेशनल और रीजनल कोऑपरेशन बहुत बढ़ेगा, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये रीजन। इंडिया मालदीव्स बायलेटरल रिलेशन, इंडिया ने अनाउंस करा एक न्यू कनेक्टिविटी जो मेजर करता है मालदीव्स को और हेल्प करता है कि आइलैंड को डील करे इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो COVID-19 की वजह से हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है, जैसे एयर बबल अग्रीमेंट जो कि ट्रैवल करता है डायरेक्ट फेरी से, और फेरी सर्विस होती है, फेरी मतलब एक तरह की शिप ले लो, सब मरीन केबल फॉर टेलीकॉम कनेक्टिविटी। यूएस ने 500 मिलियन असिस्टेंस प्रोवाइड करा है इसको, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी, मेल आई थिंक प्रोनाउंसिएशन जैसे भी है, मेल कैपिटल है मालदीव्स की, कनेक्ट करता है मेल को 3 नेबरिंग आइलैंड से, विलिंगली थिली, फूसी और गुलहिफा आइलैंड जो है इम्पोर्टेंट है। ये लार्जेस्ट सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव्स में। यूएस ने अनाउंस करा है कि वो 400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देगी, जो कि पिछले साल से थोड़ा कम है, जो पिछले साल था वो 800 मिलियन का था। हम समझ सकते हैं इकॉनमी यूएस की भी इम्पैक्ट पड़ी है। इसलिए एयर बबल अग्रीमेंट को समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट बबल्स होंगे, ठीक है, और ये एयर ट्रैवल अरेंजमेंट होंगी जो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होंगी बोथ कंट्रीज के बीच में। ये इंडिया की तरफ से ये रिस्टार्ट करती है कमर्शियल पैसेंजर सर्विस को, और रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट जो सस्पेंड हुई थी COVID-19 की वजह से। ये रेसिप्रोकल नेचर होता है यहाँ पे, मतलब है कि जो एयरप्लेन्स हैं बोथ द कंट्रीज के इंजॉय करेंगे सेम बेनिफिट। इंडिया ने साइन करा है एयर बबल अग्रीमेंट बहुत सारी कंट्रीज के साथ, जिसमें अफगानिस्तान, कनाडा, UAE, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव्स, कतार, UK, USA आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इस टर्म, जब ये भी आएगा इसको भी देख लेते हैं। चलो, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हाई लेवल कम्युनिटी इम्पैक्ट और पार्टिसिपेशन पे होता है, जो लाइवलीहुड जनरेट करता है, चाइल्ड एम्पावरमेंट, हेल्थ, इन सब में होता है, और इंडिया ने साइन कर रखा है। इम्पोर्टेंट है HICPS जो बड़ी सारी नेशन के साथ, अफगानिस्तान और भूटान के साथ भी। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप देखो इंडिया के नीचे बिल्कुल साउथ में है मालदीव्स, और यहाँ पे अगर देखो तो इम्पोर्टेंट है इंडियन ओशन में। यहाँ पे मालदीव्स बहुत क्लोज है और वेस्ट पे ही पड़ता है, आप देखो थर्ड नेशन है जो नेवल प्रेजेंस पे है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस मिल सकती है। मालदीव्स हब है सी लेंस का, जो कि रन करता है इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन से 97% जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे 75% जो वैल्यू पास होता है इस रीजन से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने एक एम्बिशन बनाया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो इंडियन ओशन रीजन में, ताकि वो एक क्लोजर मिलिट्री और नेवल टाइज बना सके मालदीव से, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके और इंडिया के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट हो जाए, मिल जाए, क्योंकि चाइना, हमें पता है चाइना की जो फुट नोट है, फुट प्रिंट से बहुत बढ़ रहे हैं मालदीव से, इसलिए हमें अपना डिप्लोमेटिक्स रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना ने एक एम्बेसी बनाई है 2011 में। 10 ये जियो पोलिटिकल रीजन की वजह से इंडिया का प्रेजेंस मालदीव्स पे ज़्यादा होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस करा था 1988 में, ताकि वो प्रो एलम का जो ग्रुप है उसको हटा सके। इंडिया ने एक नेवल प्रेजेंस बनाई है मालदीव्स में, और जब भी रिक्वेस्ट करिए तब उनको हेल्प करिए। इंडिया डेवलपमेंट एफर्ट्स इन अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस करा है 100 प्रोजेक्ट जो कि वर्थ है 80 मिलियन के अफगानिस्तान में। इंडिया ने प्लेज करा है कि हम 2 बिलियन का हेल्प करेंगे, या मतलब हेल्प इन द सेंस कि इन्वेस्ट करेंगे अफगानिस्तान में, और वो भी डाइवर्स एरियाज पे करेंगे, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर और बड़ी सारी चीज़ें। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट डोनर है अफगानिस्तान को, और लार्जेस्ट रीजनल डोनर है। ये इम्प्लीमेंट करता है कि इंडिया का जो विजिबिलिटी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स है वो रिलेटिवली स्टेबल है, और लो विजिबिलिटी स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है जो कि रिमोट और इनसिक्योर एरियाज में, ताकि वो अपनी रीच बढ़ा सके
ओवर द ईयर्स इंडिया ने शिफ्ट करा अपना जो फोकस है नैरो सिक्योरिटी सेंट्रिक टू नेशनल रीजनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म, और डेवलपमेंट करा है, गवर्नेंस देखी है, बड़ी सारी चीज़ें देखी है ताकि वो अफगानिस्तान के रिसोर्स को यूज़ करे और एक इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टैंड करे। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान का, जो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 पिलर्स जो इंडिया ने करा है अफगानिस्तान का, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग। थोड़ा देख लेते हैं जैसे ह्यूमैनिटेरियन में क्या करा है, 1.1 मिलियन का ने वीट दिया है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ ने 400 बेड लगवाए हैं वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, 218 किलोमीटर की एक रोड है जो जरांग और दलरूम को हेल्प करती है ताकि वो ईरान के बॉर्डर से मूव करे। 220 किलोवाट का एक ट्रांसमिशन लाइन बनाई है, पुल एक कुमारी टू काबुल जो कि है इम्पोर्टेंट चीज़। यहाँ पे इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी है, सलमा डैम, और न्यू अफगान पार्लियामेंट भी सेटअप हुआ था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में बहुत आई है इंडिया की वजह से। 116 न्यू हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो 31 प्रोविंसेस पे है अफगानिस्तान में। यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करूँ, चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट चल रहा है जो इराक में चल रहा है, ईरान में चल रहा है सॉरी। डायरेक्ट एयर फ्रिज कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करूँ तो 3,500 अफगान हैं जो अंडरगो कर रहे हैं ट्रेनिंग इंडिया में, और 1,000 स्कॉलरशिप पर एनम मिलती है अफगान नेशनल को इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा। 500 है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्लॉट जो अफगानिस्तान को मिलते हैं एनुअली। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेपाल की समरी दे रखी है, नेपाल बर्मा और भूटान का, कि क्या हमने प्रोजेक्ट जो इम्पोर्टेंट क्रिएट करें वो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। बर्मा में काला धन का है और मोतिहारी है यहाँ पे नेपाल में, और भूटान में है आपका मेंगचू, और बांग्लादेश में भी देख लीजिए आप रेल लिंक्स है, बड़ी सारी चीज़ें, और मालदीव्स में भी ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी है, श्रीलंका में भी इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और कोलंबो पोर्ट में भी पार्टनरशिप ले रखी है हमने उसके साथ, जापान के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े सारे डैम्स हैं। ये पॉलिटिकल मैप है, इसको आप याद कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो जैसे पश्चिम चार बांग्लादेश में है, रैटल है आपका जेएनके, आज़ाद पतान, और बड़ी सारी चीज़ें हैं, इसको पॉज करके देखना। चित्तौड़गढ़ पोर्ट है बांग्लादेश में, इसकी लोकेशन भी देख सकती है आप। बसान चार बांग्लादेश का एक आइलैंड है बे बंगाल में, जहाँ पे बांग्लादेश ने शेल्टर दे सकती है, शेल्टर देने की बात करी है रोहिंग्यास को। चट्टोग्राम पोर्ट है बांग्लादेश में, ये फर्स्ट कंटेनर शिप है जो कोलकाता से अगरतला जाता है वाया चित्तौड़गढ़, जो आप देख सकते हो वहाँ पे चित्तौड़गढ़ यहाँ पे कहीं होगा। यहाँ पे शतूत डैम है अफगानिस्तान में जो कंस्ट्रक्ट करा है इंडिया ने, और इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगा मतलब डैम मैदान रिवर में जो कि ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर की। यहाँ पे अखूरा बांग्लादेश अगरतला रेल लिंक है जो फर्स्ट ट्रेन होगी जो रन करेगी नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश में। और कालवा यागी रोड सेक्शन है जो एक सेक्शन है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रायलेटरल हाईवे का। हाइड्रो प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, लूरी स्टेज वन हिमाचल प्रदेश, लोकेट करता है रिवर सतलुज पे, और ये सिचुएटेड है शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पे। कोहला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है। ये झेलम रिवर जो कि कंस्ट्रक्ट करा जाएगा चाइना के द्वारा अंडर सीपैक। आज़ाद पतन जो है पीओके झेलम रिवर के, अगेन झेलम रिवर पे ही है और ये कंस्ट्रक्ट चाइना के द्वारा करा जाएगा। रटाल जो है जेएनके, ये एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे चेनाब रिवर के पे होगा और ये किश्तवर डिस्ट्रिक्ट पे है। दौलोशिद्दि हिमाचल प्रदेश में, ये एक रिवर रन प्रोजेक्ट है जो रिवर 20 पे होगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।